हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज ये एक किचन वीडियो है, तो आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो जिसमें भी बाहर से आई थी और मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी बिकॉज इट्स माई लंच टाइम, और आज मैं आपको अपना लंच दिखाऊंगी कि इस अगर आप इस लंच को लेंगे, यानी कि जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ लंच में अगर आपने इसे ऐड कर लिया तो आपका वेट एक हफ्ते में 5 to 6 केजी जाएगा ही जाएगा। वेट जाएगा, बॉडी टोन होगी। जिन लोगों का वेट नहीं जाएगा, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वेट तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जिन लोगों का वेट नहीं जाएगा, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि मेरा वेट परफेक्ट है लेकिन मैं फिर भी जो है मेरे लव हैंडल्स दिखते हैं, मेरी थाइस बहुत मोटी हैं, मेरा फेस बहुत मोटा है, मतलब वेट कम होने के बाद भी, तो ये कारण है कि आपके बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, यानी कि जो प्रोटीन है वो मांसपेशियों को टाइट नहीं कर रहा है। और जैसे मैं ऐसा उदाहरण देती हूँ, मान लीजिए ये आपकी मुट्ठी है और इसमें बहुत ज़्यादा फैट है, ठीक है, आपने कुछ भी करके फैट निकाल दिया, लेकिन बॉडी जो है वो ऐसी की ऐसी रही बिकॉज मांसपेशियाँ टाइट नहीं हुई। और जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसे ऐड करेंगे तो ये मुट्ठी टाइट हो जाएगी। एक इसमें देखिए और एक इसमें देखिए, अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा है और आप टोन नहीं हो रहे हो, आप स्लिम नहीं दिखाई दे रहे हो, आप चाहे जितना जिम जा रहे हो, चाहे जितनी डाइट ले रहे हो, लेकिन आपको कोई ये नहीं कह रहा है कि आप पतले हो रहे हो, बॉडी टोन हो रही है। और ये सारी चीज़ें डेफिशिएंसी सिर्फ आपकी बॉडी में प्रोटीन ना होने की वजह से। मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ प्रोटीन ऐड करिए, प्रोटीन ऐड करिए, प्रोटीन ऐड करिए, हमेशा बोलती हूँ। और प्रोटीन ऐड करने को मैं इसलिए बोलती हूँ बिकॉज ये मेटाबॉलिक रेट को काफ़ी हाई करता है। अगर आप प्रोटीन डाइट में ले रहे हैं तो जो भी मेटाबॉलिक रेट है वो 40 to 60% हाई हो जाएगा, जिससे आप जो कुछ भी खाएंगे वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सेकेंड चीज, प्रोटीन लेना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी मांसपेशियाँ टाइट होंगी, ये जो ढीली पड़ी हुई है, यानी मांसपेशियों के ढीली होने की वजह से जो पेट निकला हुआ दिख रहा है, अगर आप प्रोटीन लेंगे तो पेट की जो मांसपेशियां हैं वो टाइट होंगी, पेट अंदर धंसा हुआ लगेगा, आपके बाजुओं की जो है वो दुबली लगेंगी, आपका बैक साइड जो है वो वहाँ की मांसपेशियां टाइट होंगी। तो आप मतलब मेरा कहने का मतलब है बॉडी काफ़ी टोन दिखेगी, काफ़ी अच्छी दिखेगी। तो मैं क्या लेती हूँ वो चीज़ भी मैं अभी आपको बताऊँगी। और प्रोटीन बहुत ही है इस चीज़ में, नो गैस, गैस का कोई झंझट नहीं है आपको मेरी इस जो मैं लेती हूँ इस मील को दोपहर में, और मतलब गैस की कोई दिक्कत नहीं, बनाने का कोई टेंशन नहीं, जस्ट 2-3 मिनट में बन जाता है। आप कहीं से भी घूम के आए तो ये टेंशन नहीं है कि मेरा लंच बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो मैं इसे ले रही हूँ और मेरी बॉडी में काफ़ी अच्छा इफेक्ट आया है। वेट की मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छे से लॉस होता है, और सेकेंड चीज़ बॉडी बहुत ज़्यादा टोन हुई है मेरी इस को लेने से। तो जस्ट वही मैं बनाने जा रही थी लंच, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं ये शेयर करूँ कि मैं इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ले रही हूँ न्यू हब्स का माई शेक स्लिम शेक, यानी कि आप लोगों ने अभी तक सुना होगा कि जो शेक्स आते हैं वो हम नहीं पी सकते चाहे हमें जितना पसंद हो, बिकॉज उससे वेट बढ़ता ही है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा स्लिम शेक लेके आई हूँ कि अगर आप इसे अपनी मील से कट करना चाहें, मॉर्निंग में मैं नहीं प्रेफर करूँगी, अगर आप नाइट में भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन 8 बजे तक, लेकिन मैं इसे लेती हूँ लंच में। और इसके जो इसमें चीज़ें हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेक्स में कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि उसमें ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट हैं, इस शेक में ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट हैं, सबसे अच्छा मुझे ये लगा। सेकंड चीज़, हाई इन फाइबर है जो आपके पेट को काफ़ी देर भरा रखेगा। प्रोटीन शेक है, हाई इन प्रोटीन है जो भूख लगने ही नहीं देगा आपको जल्दी से जल्दी। ग्रीन कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी और एक छोटा सा लुक इसका दिखाती हूँ, देन उसके बाद बताती हूँ कि ये बनता कैसे हो, और मैं भी लंच बनाने जा रही हूँ, तो जस्ट मैं भी आप लोग के साथ वीडियो भी शेयर हो जाएगा और मेरा लंच भी रेडी हो जाएगा। तो एक छोटा सा पहले क्लोज लुक दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है, कैसी पैकिंग है, कितने का है, देन उसके बाद इसे बनाती हूँ। ये है न्यू हब्स का माई शेक स्लिम शेक। बहुत कम सुना होगा कि शेक्स भी आते हैं, वो भी वेट लॉस करने वाले, 100% वेजिटेरियन है। इसके बाद मैं आपको इसके सारी चीज़ें बताती हूँ। हाई इन फाइबर है,
लो कार्ब्स है, ग्रीन कॉफ़ी बीन्स एक्सट्रैक्ट है, हाई इन प्रोटीन है। सेकंड चीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इधर मेंशन है, हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, लो कार्ब। सबसे अच्छी बात है कि जो लोग भी कीटो डाइट कर रहे हैं वो इसको ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लो कार्ब्स हैं इसमें, ग्रीन कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट हैं, और कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, और मतलब कि काफ़ी। और सबसे अच्छा बात है चॉकलेट फ्लेवर है, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स भी हैं, जो भी बॉडी में चीज़ और चीज़ों की कमी होती है वो लोग भी ले सकते हैं। और एक बोलते नहीं है कि हर चीज़ का एक नेक्स्ट लेवल आता है, तो ये आपके वेट मैनेजमेंट का, वेट लॉस का और बॉडी टोन का नेक्स्ट लेवल है। ऐसे इसमें लिखा भी है नेक्स्ट लेवल वेट मैनेजमेंट फार्मूला, और जो लोग वेट मैनेज भी करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं वो भी इसको ले सकते हैं। और मैं दिखाती हूँ कि ये कैसे, ये इस तरह की पैकेट्स में आता है, ये देखिए, ये इस तरह के पैकेट्स में आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 10 पैकेट्स मिलते हैं। और प्राइस है वो 1400 रुपये है, लेकिन अगर आप अभी ऑफ़र में देखेंगे तो कम का है, लेकिन अगर आप 1400 रुपये में वन मील रिप्लेस कर रहे हैं अपनी एक से डेढ़ महीने में, और बॉडी बहुत अच्छे से टोन है, इवन आप अगर जिम ज्वाइन करेंगे तो दो से 2500 रुपये आपका मंथली जिम जाएगा, और चीज़ें जो आप करते हैं वो करेंगे, लेकिन अगर आपने एक बार 1400 रुपये भी नहीं, आई थिंक 1100 रुपये है इस समय जो मैंने चेक किया था, क्योंकि ये ऑफ़र में है और मैंने ऑफ़र में ही इसे परचेज़ किया है, तो ऑफ़र में आप इसे ले सकते हैं, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, और इसमें बनाने का फुल मेथड भी लिखा है कि आप कैसे ले। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे कैसे लेती हूँ, और मैंने ऑलरेडी जो है लेना स्टार्ट कर दिया है, और आपको भी दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे अब वेट लॉस की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन वेट मैनेज एंड बॉडी टोनिंग की बहुत ही ज़रूरत है, इसलिए मैंने इसे मंगाया। और सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि जो लोग भी ऑफिस वाले हैं वो इसे ले सकते हैं, जो भी हॉस्टल गर्ल है, कॉलेज गर्ल हैं, वो इसे ले सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई भी गैस का झंझट नहीं है, क्योंकि मुझसे बहुत सारी हॉस्टल गर्ल्स बोलती हैं कि कुछ ऐसा बताइए, हमारे पास गैस नहीं होता, हमारे पास ये नहीं होता, हमारे पास वो नहीं होता, इसलिए ये उनके लिए भी सबसे बेस्ट है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे बनाना है। पैकिंग में दिखाया और आपको देखा कि इसमें कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, और मुझे सबसे अच्छा इस बात का लगा कि इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं कि कैसे बनता है, और बहुत ही कम प्राइस में, यानी कि इतना दिन जो आप ये ले रहे हैं ये आपका डेढ़ महीने तक चलेगा, आराम से चलेगा, क्योंकि मैं वन मील ही रिप्लेस करती हूँ इससे, और बॉडी बहुत अच्छे से टोन होगी, हाई इन फाइबर है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं कैसे बनाना है जस्ट, और फिर मैं अपना लंच भी फिनिश कर लेती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ। नॉर्मल सी बात है, एक ग्लास लीजिए, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ नेस्ले का स्लिम मिल्क, यानी कि फुल स्किम मिल्क, फैट फ्री मिल्क, आप टोन मिल्क भी जो नॉर्मल आता है ब्लू वाला पैकेट आप वो ले सकते हैं, मैं ये वाला हमेशा अपने घर में रखती हूँ ताकि मुझे इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े। और इसमें वन सर्विंग भी लिखा है कितना है, तो आपको ये मिल्क लेना है। साथ ही साथ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो लोग मिल्क अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड करने की बात नहीं है, जो लोग मिल्क जिनको सूट नहीं करता है बॉडी में, वो एक ग्लास पानी में, जैसे मैं दूध में बता रही हूँ, आप एक ग्लास पानी में इसे बनाएंगे, तो ये टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि मैं दूध नहीं पीता, मुझे दूध नहीं सूट करता, कुछ लोगों को सूट भी नहीं करता है दूध, तो आप इसे पानी में ले सकते हैं जिस तरह से मैं दूध में इसे बता रही हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपको लेना है एक ग्लास, क्या मैं ml से बताऊँ तो 200 ml आपको ये लेना है। तो ये मेरा जो ग्लास है वो मेज़रमेंट क्या हुआ है, यानी 200 ml है इसमें। आपको अपना जार लेना है और उसमें इस दूध को डालना है, आपको ऐड करना है इसमें पूरा एक पैकेट, और बहुत ही इजी टू मेक है। यहाँ पे तो मैं घर पे हूँ तो इसलिए मैं इसे मिक्सर जार में ब्लेंड कर रही हूँ। आप जो आपका सिपर होता है आप उसमें बना सकते हैं, आप एक ग्लास रख लीजिए, आप उसको अपने कॉलेज ऑफिस या स्कूल में सिपर की बॉटल ग्लास में ग्लास चम्मच से करके, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ब्लेंड करो, कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं घर पर हूँ इसलिए मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, वरना ब्लेंड करने की कोई भी
जरूरत नहीं है, इजी टू मेक है। सबसे अच्छी बात इस लंच की है, इजी टू मेक है। चाहे जितने भूखे हों, चाहे कुछ भी हो, कभी कभी ऐसा हमारे साथ होता है कि हमें बिल्कुल भी मन नहीं होता अपना लंच रेडी करने का, तो इससे इजी दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। मैं घर पे हूँ इसलिए मैं इसे इसमें ब्लेंड कर रही हूँ। इजी होता है, वरना आप ग्लास में लीजिए, चम्मच लेके पूरा डाल के मिक्स कर लीजिए, सिपर की बॉटल में शेक करके आप इसे पी सकते हैं। जो है ये ब्लेंड हो चुका है अच्छे से, और बहुत 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 औसम, बहुत टेस्टी। अब ये आपका रेडी है, आप ऐसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो मैं इसमें चिया सीड डाल के लेती हूँ। मैं डायरेक्ट ऐसे ही डाल लेती हूँ। आप चाहे तो इसे सोक कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी बाहर से आई हूँ तो मैं सोक करना भूल गई थी। तो मैं 1 टेबल स्पून ये लूँगी और इसमें डाल के इसे 1 से 2 मिनट ऐसे ही रख दूँगी। 1 से 2 मिनट ऐसे रख दूँगी और आपका जो लंच है वो रेडी है। बहुत देर तक आपका पेट भरा रहेगा, इवनिंग से पहले आपको भूख नहीं लगने वाली है। ये छोटा सा ग्लास बहुत मैजिक करने वाला है। और मिक्सी नहीं है तो आप इससे भी अपने मिल्क को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकती हैं। तो इस तरह से ये मेरा लंच रेडी है, और पीजिए, इंजॉय करिए। और ये सोचिए कि ये मीठा नहीं है, तो ये मीठा भी है लेकिन नेचुरल स्वीटनर है, इसमें कोई भी एडेड नहीं है। तो ये लीजिए, वेट लॉस करिए, बॉडी टोन करिए, और सच में औसम है। लिंक नीचे दिया हुआ है, एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। जो लंच है वो 102 मिनट में रेडी कर लिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है जब वो कहीं बाहर से आते हैं और डाइट में होते हैं, उन्हें मन नहीं करता और इतनी तेज़ से भूख लगी होती है कि जो भी अनहेल्दी फूड घर में रखा होता है वो फटाफट खा लेते हैं और फिर उसके बाद पछताते हैं कि मैंने खा लिया। लेकिन इस शेक की सबसे बड़ी बात है कि आप चाहे जितना भी थके हो आप इसे ले सकते हो, आप रात में ले सकते हो, आप मॉर्निंग में भी ले सकते हो, लेकिन दिन में 1 मील ही स्किप करनी है। ऐसा नहीं कि 2-3 मील स्किप करिए, सिर्फ 1 मील स्किप करनी है। बहुत टेस्टी है, और शेक्स तो कभी भी नहीं सुना होगा कि शेक्स वेट लॉस करते हैं, लेकिन ये शेक ऐसा है जो वेट लॉस करेगा। लिंक प्रोडक्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके चेकआउट जरूर करिएगा, क्योंकि इस समय ये शायद ऑफर में चल रहा है। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं तो जा रही हूँ अपना लंच एंजॉय करने, तब तक के लिए बाय बाय।